हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलिस। गाइस, आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। अभी आपके पर्सन आपको लिखे क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग उन सभी के लिए होने वाली है जो आपके कनेक्शन में है, नहीं है, लेस कांटेक्ट में है, सेपरेशन मोड में है और सोच क्या रहे हैं अभी वो इसी वक्त आपको लेके, और उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या रहेगा, तो ये देखेंगे हम लोग। एक्चुअली गाइस, मैंने इस टॉपिक पे ना कल रीडिंग डाली थी, बट पता नहीं क्यों ये रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो मैं कल बहुत थक भी गई थी, तो मुझे लगा आज मैं नई सिरे से इस रीडिंग को डालूंगी और देखती हूँ क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं। जिस भी पर्सन को लेके आप सोच रहे हैं अभी, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। नाइन ऑफ वैंड्स, ट्रस्ट इश्यूज है आपको, आप शायद उन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। आपने अपने ऊपर काफी बाउंड्रीज डाल दी है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं आपके पास, या फिर बहुत लोग आपके आसपास रहते हैं। और ट्रस्ट इश्यू भी है आप में, तो आपको है उनको लेके। एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी आई है। नाइन नंबर आपको रिलेट कर सकता है या फिर रिलेट है किसी न किसी तरीके से। सिक्स ऑफ पेंटेकल्स, बट ये पर्सन आपको अब इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो, अच्छी जॉब है आपकी, आपका फाइनेंस भी काफ़ी अच्छा है, आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब जितने इमोशनल उतने ही आप लॉजिकल भी हो, आप प्रैक्टिकल भी हो। और अब ये पर्सन आपको, अगर ये पर्सन पहले कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं डालता था, तो अभी ये पर्सन एफर्ट डालेंगे इस रिलेशनशिप में। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। सिक्स नंबर आपको रिलेट कर सकता है किसी न किसी तरीके से। मैं अभी भूल देती हूँ क्योंकि फिर अगर बाद में भूल जाती हूँ, और लोगों को काफ़ी लोगों को लगता है, अच्छा लगता है अगर मैं स्टार्स के साइन भी बता दूँ, नंबर बता दूँ। फाइव ऑफ पेंटेकल्स, ये पर्सन देखिए उनको अकेला अकेला फील हो रहे लग रहा है अभी। ये उनकी ओन एनर्जी आई है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं खुद को। हो सकता है उनके सराउंडिंग उनके फैमिली के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है, बट फिर भी लगता है अकेले है। शायद आपसे ज़्यादा बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है आपसे, लेफ्ट अलोन फील करते हैं ये पर्सन, जैसे कि दुनिया सब साथ में बट फिर भी मैं अकेला हूँ। एम्प्रेस, ये मानते हैं आपको ये पर्सन, आप एक बैलेंस पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। ऐसे ना कि जिस तरह से आपसे जुड़ के उनको बहुत पीस फील होता हो। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, वैल्यू देना चाहेंगे ये पर्सन, आपको रिस्पेक्ट देना चाहेंगे ये पर्सन। आप एक रिस्पेक्टेबल पर्सन ही हो, अच्छा ओहदा है आपका करियर में भी, जॉब में भी, या फिर आप एक स्टेबल बिजनेस पर्सन हो। मैंने बोला ना, जितने आप इमोशनल हो उतने आप लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, मतलब अगर आपको आप बहना जानते हो तो आपको रुकना भी पता है कि आपको किस तरह से रुकना है। बहुत अच्छा, आप अपने आप को ना कैरी भी बहुत अच्छे से करते हो, आपका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है, आपका हेयर स्टाइल अच्छा है,
आपकी बात करने की नज़ाकत बहुत अच्छी है, एक स्टाइल है आपकी, और ये इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करता है। अब ये पर्सन ना आपको एक स्टेबल फाउंडेशन देना चाहता है, स्टेबिलिटी के साथ ये पर्सन चाहता है आपसे जुड़े। मैजिशियन, ये पर्सन आपको दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं, 24 घंटे आप इस पर्सन के दिमाग में रहते हो, मैनिफेस्ट करते हैं ये पर्सन आपको। 10 of Swords, कुछ तो हुआ था आप दोनों की रिलेशनशिप में, और मुझे लगता है ये एनर्जी आपकी है, आप निकल नहीं रहे उस एनर्जी से, बहुत धोखा हुआ था आपके साथ, और आपको है ट्रस्ट इश्यू, और इसके बारे में भी ये पर्सन सोचता है। इस धोखे के कारण, इस ट्रस्ट इश्यू के कारण ही आप दोनों में क्या चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है। आपने ही खुद को इस पर्सन से अलग कर लिया है, और ये पर्सन अब आपको दिन रात मैनिफेस्ट करता है। इसीलिए इस पर्सन को लगता है कि ये अकेले पड़ चुके हैं, क्योंकि ना आपसे अच्छे से बात हो रही है, ना आपसे अच्छे से मिलना हो रहा है। बट जैसे जैसे इस पर्सन को समझ में आ रहा है ना कि इनके लाइफ में सच में कितना इन्होंने आपके साथ गलत किया है, वैसे वैसे इस पर्सन के मन में आपके लिए वो रिस्पेक्ट बढ़ रही है, आपके लिए उनका जो सोचने का जरिया है, जो तरीका है, तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। अपने सोच के ज़रिए ना ये पर्सन आपको और ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आसान नहीं है किसी धोखे से खुद को, क्वीन ऑफ कप, मैंने बोला ना सारी क्वीन आ चुकी है क्वीन ऑफ सोर्स को छोड़ के, तो क्वीन और क्वीन भी आ चुकी हैं। तो पर्सन को लगता है कि ये आप एक वैल्यूएबल पर्सन हो, रिस्पेक्टेबल पर्सन हो, गलत आपके साथ इतना होने के बाद जिस तरह से आपने अपने आप को स्टेबल किया है। 2 of Cups, ये पर्सन रिकन्सिलेशन, रियूनियन चाहते हैं आपसे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 of Cups, पर्सन को पता चल चुका है ये कनेक्शन क्या था, ये रिलेशनशिप क्या है, और ये जन्म एक जन्म का खेल नहीं है, ये कई जन्मों से जुड़ते आ रहे हो। हो सकता है आप इस पर्सन की डिवाइन फेमिनाइन भी है, यहाँ पे 2 of Cups की एनर्जी ये भी बोल रही है कि आप लोगों में कई हो सकते कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, और ज़्यादातर यहाँ पे मुझे सोलमेट की एनर्जी लग रही है। बट अगर एक बात मैं और ऑब्जर्व करूँ तो पर्सन सोच क्या रहे हैं, तो सोचने में काफ़ी पॉजिटिविटी है, बट एक्शन का कोई भी ये कार्ड नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, तब देखेंगे कि एक्चुअली एक्शन लेना चाहते हैं नहीं। बट अगर मैं सोचने के लिए एनर्जी निकाल रही हूँ तो सोच में बहुत अच्छी बात है। देखिए पहले ही क्वीन यहाँ पे, जो क्वीन यहाँ पे नहीं थी वो क्वीन यहाँ पे आ गई। 9 of Wands क्यों है, क्योंकि क्वीन ने डिटैच कर दिया है, क्योंकि क्वीन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू है। अब ये क्वीन एनर्जी है, आप मेल फीमेल अपने तरीके से ले लेना। ये पर्सन चाहते हैं अपने एफर्ट डालना इस रिलेशनशिप में, अब मैं और किस तरीके से काम करूं, किस तरीके से और मैं अपने एक्स्ट्रा एफर्ट डालूं, ताकि इस रिलेशनशिप में मैं एक बैलेंस बना पाऊं, ताकि इस रिलेशनशिप में एक मैं स्टेबल फाउंडेशन लाऊं। ये पर्सन इस सोच में है और अपना काम करते जा रहे हैं। 5 of Pentacles को क्लेरिफाई कर रहा है 8 of Cups। देखिए माफ़ी तो मांगना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन भी जब अकेले रहते हैं तो उनको याद आता है कि किस तरह से इन्होंने आपको ये दर्द दिया है। देख रहे हैं आप कितने पेन में ये फीमेल, आँख कितनी लाल हो चुकी इस पर्सन, इस फीमेल की रो रो के, इसको सुध ही नहीं है ये पानी में है, ये कहाँ पे है, बस अपने दर्द में जिए जा रही है। तो इस तरह की तकलीफ़ से अगर आप गुजरे हो इस पर्सन के कारण, तब ये पर्सन खुद वो चीज़ें सोच रहा है कि उसने सच में कितना गलत किया है आपके पास, और ये पर्सन माफ़ी भी मांगना चाहता है आपसे। देखिए गलत कितना भी क्यों ना हो, बट अगर आप अपनी गलतियाँ सच्चे दिल से मांगते हैं, सच्चे दिल से आप माफ़ी मांगते हैं,
तो गलतियाँ काफ़ी हद तक उनकी निगेटिविटी कम हो जाती है, काफ़ी हद तक माफ़ की जाती है, या फिर उस गलती के कारण जो सज़ा आपको मिलने वाली है वो काफ़ी हद तक उसको उसमें रिलीफ आ जाता है। बट ये आजकल लोग करते नहीं हैं, ये ईगो बहुत बीच में आ जाता है इस पर्सन के। बट ये पर्सन अब सोच रहा है मन में कि ये माफ़ी मांगना चाहता है आपसे, क्योंकि ये जो गलत है ना, इस पर्सन को अच्छे से रहने नहीं दे रहा है। बार बार इस पर्सन के मन में वही ख्याल आते हैं, एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है टावर। कुछ तो टावर मोमेंट आप पे था गाइस, और जिस तरह का टावर मोमेंट इस पर्सन ने आपको दिया था ना, तो और उसके बाद जिस तरह से आपका, मैं बोलूँगी एक नया जन्म जैसे हो चुका है, तो सोच रहा है ये पर्सन कि मैंने इतना टावर तो दे दिया है, इतना ये तो कर दिया है, तो है। मैं एक और कार्ड यहाँ पे टावर को क्लेरिफाई करने के लिए निकालूंगी कि अपने यहाँ पे एक मैसेज मुझे ये भी आ रहा है कि गाइज आप लोग अपनी मम्मी का ख्याल रखें, उनकी हेल्थ का ख्याल रखें। थ्री ऑफ सोर्स, वही आपका जिस तरीके से दिल तोड़ा था इस पर्सन ने, जो टावर मोमेंट आप पे दिया था, ये पर्सन सोच रहा है। आप इस पर्सन को ब्यूटीफुल लग रहे हो, अट्रैक्टिव लग रहे हो, आपको लेके इस पर्सन का फैशन बढ़ रहा है। बट बात क्या है ना, ये भी बातें याद आती है कि किस तरह से आप दोनों के रिलेशनशिप में एक टावर मोमेंट था, किस तरह से दिल टूटा था, किस तरह से आप ये इस एनर्जी में थे। तो ये चीज़ें भी इस पर्सन को, जब ये चीज़ें आती तो वो चीज़ें भी आती है। ये पर्सन भी कुछ छूट नहीं रहा है कि उसने कितना गलत किया था आपके साथ। यूनो पेंटेकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ कप, क्योंकि अब इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि आप ही उनके पास लाइफ के पर्सन हो, उनके पार्टनर हो, आप जन्मों से जुड़े आ रहे हो, और आप दोनों में हो सकता है फ्रेंडशिप बॉन्डिंग भी बड़ी अच्छी थी आप दोनों की रिलेशनशिप में, मैरिज नया हो या पुराना, बट आप दोनों में एक फ्रेंडशिप बॉन्डिंग थी। अब ये पर्सन वो सब कुछ देना चाहता है उसी वैल्यू के साथ, उसी रिस्पेक्ट के साथ जो पहले आप दोनों की रिलेशनशिप में थी। यहाँ पे अगेन एस ऑफ कप मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन वही प्यार आपके साथ, वही लाइफ आपके साथ, वही प्यार भरी कोशिश भी ये पर्सन कर रहा है, मैनिफेस्ट तो कर रहा है, और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन हो रही है और वो सक्सेसफुल भी हो जाएगी। यहाँ पे देखोगे टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी की है एंजल्स, यस, जो एनर्जी थी ना, ये पेनफुल वाले एनर्जी, उसको ख़त्म करके अब ये पर्सन एक नई एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है कि किस तरह से मैं ये जो चीज़ें हेवी थी आपकी रिलेशनशिप में उसको ख़त्म करके, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करके किस तरह से मैं जाऊँ, किस तरह से इस रिलेशनशिप में काम करूँ। बिल्कुल कॉन्फिडेंट पॉजिटिव सोच के साथ ये पर्सन एक प्रैक्टिकल माइंडसेट लेके आपके पास आ रहा है, सारी निगेटिविटी ख़त्म करके। और ये जो पेनफुल साइकिल जो चल रहा है ना आप दोनों के, ये आपकी एनर्जी लग रही है, जिस एनर्जी में आप हो कि ठीक से सो नहीं पा रहे हो, जैसे कि मरने तक आप आ चुके हो, आपको कुछ सूध ही नहीं है। देखते हैं फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं। फोर ऑफ सोर्स को तो बहुत कार्ड आए हैं गाइस, पेज ऑफ सोर्स आया है, अगेन मैजिशियन मैनिफेस्ट तो कर रहे पर्सन, थ्री ऑफ वैंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। और देखिए ऑनलाइन स्टॉक भी करते हैं पर्सन, आपको जानना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सोच भी रहे एक्शन लेने के लिए, और एक टाइम का वेट कर रहे पर्सन कि जैसे ही टाइम थोड़ा फेवर में आ जाएगा, थोड़ा फेवर में मतलब ये आपके माइंडसेट से ही अब ये टाइम जुड़ा है, जैसे आपका माइंडसेट थोड़ा पॉजिटिव हो जाए तो ये पर्सन आपसे जुड़ जाएगा। यहाँ पे भी अगेन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आई है, क्योंकि इस पर्सन को 101% इस चीज़ का एश्योरेंस हो चुका है कि आप ही पर्सन के डेस्टाइन पार्टनर है, आप ही थे,
और आपसे अलावा कुछ और था ही नहीं इस पर्सन के लाइफ में। हालांकि आप दोनों की रिलेशनशिप में पास में बहुत सिनेरियो गलत हुआ था, बट ये इन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहता है। अगर आप दोनों में बात नहीं हो रही तो ये पर्सन किसी न किसी तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन निकाल रहा है और एक टाइम का वेट कर रहा है, मैनिफेस्ट भी कर रहा है आपको, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि ये आपसे तो जुड़ ही जाएंगे, ये आपसे मिल ही जाएंगे। साइन यहाँ पे अगेन सारे है गाइस, कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसेस में लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की भी एनर्जी आई है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल्स? क्यों ना आपको यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ वैंड्स, स्टार्ट भी नाइन ऑफ वैंड्स से हुई थी। यस, थोड़े आप में ट्रस्ट इश्यू ना अभी भी है, या फिर मैंने बोला कि आपने काफ़ी लोगों से खुद को मतलब सराउंडेड है आपके आसपास, और नहीं समझ में आ रहा है इस पर्सन को कि आपको किस तरह से आप जुड़े, किस तरह से कनेक्ट हो, किस तरह से आपसे इस रिलेशनशिप को फिर से एक स्टेबिलिटी में फॉर्म करें, ये पर्सन सोच रहा है। एक चीज़ ये भी है कि है आपको अभी भी ट्रस्ट इश्यू है, आप भरोसा नहीं कर पा रहे इस पर्सन को, पर जो बाउंड्रीज लिमिटेशंस आपने या तो आपने खुद ने खुद से डाली है, या तो आपके काफ़ी रिलेटिव्स है, फ्रेंड सर्कल है, आप उन्हीं में रहते हो, तो ये पर्सन सोच रहा है किस तरह से अपना प्यार आपके लिए जाहिर करें। आप तो हमेशा लोगों से जुड़े रहते हो, और ये आपके अगर ट्रस्ट इश्यू है तो किस तरह से ये ट्रस्ट इश्यू आपसे ख़त्म करें और आपको वो अनकंडीशनल प्यार दे जो आप, जिसके आप हकदार हो, जो आप चाहते हो। तो आप कब की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे बताना। तो आप कब को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, सिक्स ऑफ कप एंड टू ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप इस पर्सन के सोलमेट हो, आप इस पर्सन की किसी किसी के लिए हो सकता है ट्विन फ्लेम हो, ये चीज़ कन्फर्मली है। उसे वैल्यू, रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी के साथ ये पर्सन आपसे रिकनसाइल होगा, रीयूनाइट होगा। इस पर्सन के दिल दिमाग ने ये 100% सोच लिया है, जो कुछ भी टावर मोमेंट था, जो कुछ भी तो हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी थी, ट्रस्ट इशू थे, उन पे भी ये पर्सन काम करेंगे। लॉजिकली इस चीज़ों को ये पर्सन अब मतलब लॉजिकली क्या बोलती है उसको, ये पर्सन इस पर्सन को अब लॉजिकली लेंगे, लॉजिकली हैंडल करेंगे ये पर्सन इस रिलेशनशिप को। बट ये पर्सन आएंगे ज़रूर, आने की, सोचने की, रिव्यूनियन होने की, रिकंसल होने की इस पर्सन के एक एनर्जी और बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का टूवर्ड्स यू। सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक देना। इस पर्सन को लगता है आपके लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस है, बट नहीं, नई स्टार्ट आपके साथ करेंगे ये पर्सन। माफ़ी भी मांगेंगे, नई स्टार्ट का बहुत काड़ा है गाइस। स्टार्ट तो होगी आपकी रिलेशनशिप में, माफ़ी के साथ स्टार्ट होगी, एक्शन रहेगा इस रिलेशनशिप में, प्यार रहेगा, पैशन भी रहेगा। अवेकन हो चुके ये पर्सन, इस पर्सन को समझ में आ चुका है आप क्या है। सोल सर्चिंग की हो शायद इस पर्सन ने, खुद की, आपकी भी।
या फिर आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया है और आप दोनों ट्विन फ्लेम है, तो इस पर्सन का अवेकनिंग होना ही होना है अगर आप बहुत मेडिटेशन कर रहे हो। एम्परर, एम्प्रेस, एक दूसरे के काउंटर पार्ट तो हो आप, स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट या फिर ट्विन फ्लेम। चाहते ये पर्सन आप उनकी फैमिली बने, बच्चों की माँ बने, फादर बने। अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप को आप प्रैक्टिकली डील करेंगे। अगेन मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन तो बहुत स्ट्रांगली हो रही गाइस, या तो आप कर रहे हैं नहीं तो ये पर्सन कर रहा है, बट मैनिफेस्ट तो कर रहा है। अगेन नाइट ऑफ वैंड्स, विथ अ गुड एंड पॉजिटिव एक्शन के साथ ये पर्सन आएंगे। ये एनर्जी तब भी आ रही थी, टावर की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है, कुछ मसला है बट फिर भी, बट एनर्जी नेक्स्ट एक्शन में देखूँ तो बड़ी अच्छी आई है। इस पर्सन को लगता है कि शायद आपके लाइफ में कोई नया ऑप्शन आया है, आपने किसी के साथ नई स्टार्ट कर दी है और ऑप्शन है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को लगे शायद आपने अपने आप को काफ़ी सारे कामों में उलझा लिया है, जो कि एनर्जी आ रही थी वहाँ पे नाइन ऑफ वैंड्स, मुझे बार बार यही लग रहा था उस टाइम कि शायद आप बहुत ज़्यादा बिजी हों, लोगों से घिरे रहते हो हमेशा। पेज ऑफ पेंटेकल्स, यस, आप काम में बहुत ज़्यादा अपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम ले लिए, एक से ज़्यादा काम आप एट ए टाइम कर रहे हैं, उन कामों में आप बहुत उलझे हुए हो। एनर्जी ये भी आ सकती है कि शायद इस पर्सन ने भी, ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा कामों में खुद को उलझा लिया है और अब समझ नहीं पा रहे कि इस रिलेशनशिप में एक्शन अगर लेनी है तो कैसे ले। सिक्स ऑफ पेंटेकल, बट ये पर्सन अब अपने एक्शन भी लेंगे। देखिए कितने फास्ट ले आ रहे हैं ये पर्सन आपके साथ, और इक्वल गिवन टेक भी देंगे। कितने भी काम क्यों ना हो इस पर्सन के लाइफ में, कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों ना हो इस पर्सन के लाइफ में या फिर आपके लाइफ में भी, बट अब ये पर्सन एक एक्शन लेंगे, आपके पास आएंगे। एस ऑफ कप की एनर्जी में देखूंगी, एस ऑफ कप को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटेकल्स। देंगे गाइस एक अच्छी लाइफ देंगे आपको, स्टार्ट भी करेंगे आपके साथ और इस बार परमानेंटली एक एक्शन देंगे आपको। ये पर्सन लगता है कि है किसी ऑथोरिटी पोजीशन पे ये पर्सन है, या फिर इस पर्सन का प्रमोशन आगे होती हुआ मुझे दिख रहा है। नहीं तो आप कहीं हो जॉब में, तो आपके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी करियर में दिख रही है मुझे, ये भी है। बट ये पर्सन चाहेगा रिलेशनशिप के लिए अगर देखूँ, यस, नए स्टार्ट करना चाहते और स्टेबिलिटी देना चाहते, और इस बार ये पर्सन परमानेंटली आपसे जुड़ना चाहते हैं। अगेन जो नया दूसरा कार्ड था एस ऑफ वैंड्स, वहाँ पे कप ने किया, यहाँ पे कप को, यहाँ पे पेंटेकल ने किया स्टेबिलिटी ने, और यहाँ पे एक्शन को क्लेरिफाई कर रहा है टेन ऑफ वैंड्स। मतलब अब इस रिलेशनशिप में ये पर्सन जो एक्शन नीडेड है, रिक्वायर्ड है, वो लेंगे। एक हैप्पी फैमिली लाइफ आपके साथ ये पर्सन जिएंगे। यहाँ पे अगेन कपल की एनर्जी है, तो मुझे लगता है काफ़ी लोग ऑलरेडी मैरिड है और आप दोनों के रिश्ते में कुछ अनबन थी तो अब वो ख़त्म हो रही है और आप दोनों का मैरिड रिलेशनशिप अच्छे से चल रहा है। पेज ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है सन। देखिए माफ़ी मांगेंगे ये पर्सन, और जैसे ये पर्सन माफ़ी मांगेंगे, कुछ कर्मा भी क्लिनजिंग रहता है। अगर दिल से कोई माफ़ी मांगता है तो निगेटिव कर्म ऑलरेडी क्लींस हो जाता है, वैसे ही होते हुए दिख रहा है। और इस माफ़ी के साथ शायद आपको भी वही चाहिए, आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं रहे इस पर्सन से, बस ये पर्सन दिल से सॉरी बोल दे और जैसे एक नई स्टार्ट कर दे तो आप भी रेडी हैं। और क्योंकि आप रेडी, इसीलिए आप दोनों की रिलेशनशिप में, देखिए टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, सन की एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, इतनी अच्छी एनर्जी आ रही है,
तो यही है कि आप माफ़ कर देंगे इस पर्सन को। एम्परर की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे बताना। आपकी रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस अबंडेंस सक्सेस मुझे आता हुआ दिख रहा है गाइस। एम्परर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल्स प्लीज मुझे बताना। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इगोस्टिक थे, मैनिपुलेटिव थे, रूड थे, बट ये पर्सन आप खुद से ही देखिए नए स्टार्ट के सारे लगभग आए हैं। एस ऑफ कप आया है, एस ऑफ पैंट्स आया है, एस ऑफ पेंटेकल्स आया है। तो अब ये जो रूड थे ना, इनका रूडनेस फिर से भी जाने वाला है। ये खुद एक्शन लेंगे और इस बार विथ मैच्योरिटी ये पर्सन आ रहे हैं। पहले जैसे कि ये अपनी ही धुन में रहते थे, बट ऐसा अब नहीं रहेगा। अब ये पर्सन विथ स्टेबिलिटी के साथ, मैच्योरिटी के साथ खुद से एक्शन लेते हुए आ रहे हैं आपके लाइफ में। चैरिट की एनर्जी एक्शन के ही मोमेंट दिखाती है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि यस ये पर्सन एक्शन तो लेना चाहते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल्स प्लीज मुझे बताना। एम्प्रेस को क्लेरिफाई करना है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप एंड द शेडो साइड। कुछ नेगेटिव कर्मा थे आप दोनों में, अब वो ख़त्म हो गए हैं। अगर कुछ लोग ट्रिगर कर रहे थे आपके रिलेशनशिप को और आपका आपके पर्सन को लेके, तो अब वो चीज़ें ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। और एक अनकंडीशनल प्यार आप दोनों में आएगा, आप दोनों में डेवलप हो जाएगा आगे भी। आगे ये रिलेशनशिप विथ अनकंडीशनल लव फुलफिल होते हुए मुझे दिख रहा है। नेट ऑफ सोर्स की एनर्जी बताना इंजेस क्यों है। नाइट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है अगेन एस ऑफ कप एंड एस ऑफ कप एंड नाइट ऑफ फैंट्स, दो कार्ड आए हैं। मैं बोली ना कि बहुत ही फास्टली ये पर्सन आ रहे हैं। एक एक्शन मतलब आप बोल दो ना इस पर्सन को, आपसे बात करें अभी आ जाइए ये पर्सन। इतना इस पर्सन में है कि अभी मैं अभी जाता हूँ, अभी करता हूँ। इतनी फास्ट इस पर्सन की एनर्जी हो चुकी है। एक नया प्यार लेके ये पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में। अगेन मैजिशियन को अब देखिए, अब आई है थर्ड पार्टी की एनर्जी। आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी कि आप मैनिफेस्ट कर रहे कि थर्ड पार्टी चली जाए, नहीं तो अब ये पर्सन खुद मैनिफेस्ट कर रहा है कि ये थर्ड पार्टी उसकी लाइफ से चली जाए। क्योंकि आप हो इस पर्सन की नाइन ऑफ कप विश फुलफिलमेंट, आप हो ये पर्सन, आप ही के साथ जुड़ेंगे। थर्ड पार्टी के कार्ड को हम एक बार क्लेरिफाई कर लेंगे। हो सकता है थर्ड पार्टी पर्सन ही नहीं, उनके वर्क है, उनके फैमिली है, उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। बट एक कार्ड और देखेंगे थर्ड पार्टी के लिए, तब समझ में आ जाएगा थर्ड पार्टी है कौन। थर्ड पार्टी चली गई है गाइस, थी तो लाइफ में। थर्ड पार्टी से पर्सन डिसकनेक्ट हो चुके हैं, थर्ड पार्टी इस पर्सन के लाइफ से चली गई है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड पार्टी से इस पर्सन ने खुद ही किनारा कर लिया है। कुछ हुई हो उनके सामने, कुछ चीज़ें आई थी, क्योंकि पहले भी मून का कार्ड बार बार आ रहा था, तो मुझे वो अच्छे से शफल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने लिया नहीं। बट यहाँ पे चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं कि क्यों था। कुछ चीज़ें शायद वो थर्ड पार्टी के सामने आई थी, अब ये पर्सन खुद मैनिफेस्ट करते हैं थर्ड पार्टी से वो दूर हो जाए। क्योंकि आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है और आप उनके डेस्टाइन पार्टनर है, आप उनके सोलमेट है। ये चीज़ें ये पर्सन समझ चुके हैं। किसी किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है कनेक्शन को लेके, आपको लेके। और ये पर्सन अब परमानेंट स्टेबिलिटी के साथ आपके पास आ रहा है। उनका नेक्स्ट एक्शन भी बहुत अच्छा आया गाइस। ऐसी ही एनर्जी कल भी थी और कल मैंने डे अलग लिए थे, बट एनर्जी यही थी। अब मैं देखूंगी एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं।
ट्रस्ट। एंजल्स बोल रहे हैं ट्रस्ट बनाए रखिए, डिवाइन पे, पर्सन पे, खुद पे ट्रस्ट बनाए रखिए। हेल्पफुल पीपल, देखिए ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी कीजिए, कुछ चैरिटी कीजिए आप। ब्लॉकेजेस हमारे वैसे भी रिलीफ हो जाते हैं रिलेशनशिप में, ख़ास तौर पर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो एंजल बोल रहे ये टाइम राइट नहीं है। इन द नियर फ्यूचर आपके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है इस रिलेशनशिप में, तो यस एंजल बोल रहे ट्रस्ट कर कीजिए। बहुत ज़्यादा हैवीनेस आपको हो रही है, अगेन एक एनर्जी और आई थी सक्सेस आपको मिलने वाली है। कुछ भी गलत डिसीजन लेना चाहते हो नहीं लेना है, नेक्स्ट नियर फ्यूचर आपके लिए एक अच्छा भविष्य आपकी वेट कर रहा है। तो ये थी गाइज आपके लिए आज की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा देना आपको, और रीडिंग रेजोनेट होती तो क्लेम करना। जनरल रीडिंग है गाइस, रीडिंग के आधार पर कोई डिसीजन नहीं लेना है लाइफ का। और जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं आज भी जुड़ रहे हैं, मैं सभी लोगों का दिल से बहुत 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 ज़्यादा वेलकम करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। इसी तरह से हमसे जुड़े रहे और फैमिली का हिस्सा बने रहे, हम लोग अच्छी अच्छी रीडिंग डालेंगे, अच्छा अच्छा गाइडेंस फॉलो करेंगे और खुद की लाइफ हेल्पफुल और ब्लेसफुल बनाएंगे। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।